नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार राइड्स पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा योद्धा 1700। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल रिव्यू करेंगे। ये गाड़ी BS6 फेज 2 इंजन के साथ में आई है, तो जानेंगे इसकी क्या कीमत है, क्या माइलेज देती है और क्या इंजन है, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। योद्धा सीरीज में आपको अलग अलग गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें 1200 kg, 1500, 1700 और 2000 kg तक गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको क्रू केबिन भी मिल जाता है, जिसमें 4x4, 4x2 गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है और इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको डबल वाइपर मिल जाते हैं डबल वॉशर के साथ में। और साथ ही काफी बड़ी साइज में यहाँ पर आपको बोनेट देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर माना जाता है। और साथ ही काफी मजबूत है ये और बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट लुक है। बात करें हेडलाइट की, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लाइट मिलने वाली है टर्न इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पर आपको सारा सेटअप हेलोजन में मिलने वाला है, जो काफी अच्छी रोशनी प्रदान कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाता है, जो काफी स्टाइलिश लगता है। और इसके बीचों बीच ही टाटा का बहुत ही प्यारा लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम में और ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में काफी शानदार लगता है। और साथ ही यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है और सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और साथ ही बम्पर मिल जाता है, जो कि 3 पीस में है और पूरा लोहे का है, काफी मजबूत। 3 टुकड़ों में होने से हमें फायदा यह होता है कि बाई चांस कहीं पर टच हो जाए तो आपको 1 पीस चेंज करवाना है, न कि पूरा बम्पर चेंज करवाना पड़ता है, जिससे काफी फायदा होता है। फोग लैंप लगाने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है रिफ्लेक्टर के साथ में और काफी स्टाइलिश लगता है ये डिजाइन। और साथ ही इसके बीचों बीच यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश वर्क देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक, बिल्कुल कार जैसा चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर। तो ऐसे कुछ है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है बहुत ही शानदार और इसके पास ही योद्धा 1700 के ग्राफिक्स। और बहुत ही बड़ी साइज में यहाँ पर आपको आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं, जो काफी बड़ी साइज में है। गाड़ी के अंदर जाने में आसानी हो उसके लिए यहाँ पर आपको फुटस्टेप MRF कंपनी के टायर मिल जाते हैं। बात करें साइज की, तो यहाँ पर आपको 215/75 R16 LT रेडियल टायर मिल जाते हैं। आगे की तरफ डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही आगे की तरफ यहाँ पर आपको पत्ते कमाने वाला सस्पेंशन मिलता है, जो कि टोटल 6 पत्ते हैं। और साथ ही चलते हैं गाड़ी के लोड बॉडी की तरफ। तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ इसकी लोड बॉडी मिलने वाली है, जिसको आपको तीनों तरफ से खोल सकते हो, इधर से भी, उधर से भी और पीछे से भी। और साथ ही ये गाड़ी 1700 किलो पासिंग आती है कंपनी द्वारा। और साथ ही काफी बड़ी साइज में यहाँ पर आपको लोड बॉडी मिल जाती है, लगभग 9 फीट इसकी लंबाई है और 6 फीट इसकी चौड़ाई है, जिसमें आपको आराम से सामान आ जाएगा सारा, जिसको आप बढ़वा भी सकते हो लोड बॉडी को अपने हिसाब से। और इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है 3490 kg और इसका कर्ब वेट है 1790 kg। और साथ ही काफी अच्छी इसकी ग्रेडिबिलिटी मिलती है 35%। और दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग बॉडी का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप चेसिस के साथ ले सकते हो, इस लोड बॉडी के साथ भी ले सकते हो और बड़ी लोड बॉडी के साथ भी ले सकते हो। और ये इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही मजबूत साइड कबाड़ी वाला सस्पेंशन मिलता है। टोटल यहाँ पर आपको 9 पत्ते कबाड़ी मिल जाते हैं और बाई चांस ज्यादा लोड हो जाए तो यहाँ पर आपको रबर बूस्ट भी मिल जाता है, जिसके कारण गाड़ी ज्यादा नीचे नहीं झुकती है। और साथ ही यहाँ पर आपको शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाते हैं, जो कि और ज्यादा मजबूती को बढ़ा देते हैं। और पीछे भी यहाँ पर आपको सेम टायर साइज मिलने वाले हैं ड्रम ब्रेक के साथ में। चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। तो ऐसा कुछ लुक नजर आता है गाड़ी का पीछे से, काफी ऊंची है गाड़ी पीछे से। डालने की ज्यादा मजबूती के लिए यहाँ पर आपको ऐसी कुछ पट्टी मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ रेड कलर में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि सरकार का नियम है। और साथ ही यहाँ पर आपको बूस्ट मिल जाते हैं, जिसके कारण डाला ओपन करते हैं तो टच नहीं होता है और आवाज नहीं करता है। और साथ ही यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, टोटल 4 मिल जाते हैं। और बात करते हैं पीछे के लाइट की, तो यहाँ पर आपको सारा सेटअप हेलोजन में मिलने वाला है और नीचे की तरफ इसके नंबर प्लेट लग जाएगी। और यह इस गाड़ी की स्टेपनी, जो कि जरूरत पड़ने पर आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और यह इस गाड़ी का डिफरेंशियल काफी मजबूत और काफी बड़ी साइज में और काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, लगभग 210 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और गाड़ी के को पैसेंजर साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि एक लोकेबल है पूरा। और साथ ही लगभग 52 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। और साथ ही बात करते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशन की, तो इसकी लंबाई है 5350 mm और इसकी चौड़ाई है 1860 mm और हाइट है 1810 mm। और काफी अच्छा इसका व्हील बेस है 3150 mm का। गाड़ी का व्हील बेस अच्छा होने के कारण इसके रोड प्रेजेंट काफी अच्छे बढ़ जाती है और काफी अच्छा संतुलन बना रहता है गाड़ी का। और दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इसका डोर मिलने वाला है, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है और कॉमर्शियल के हिसाब से काफी बेहतर इसका डोर है। और इसी कुछ यहाँ पर आपको चाबी मिलने वाली है, जिसके ऊपर टाटा का लोगो लगाया गया है और बहुत ही प्यारी यहाँ पर आपको डबल की मिलने वाली है। और सीट के पास ही यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि सही जगह पर सेट है। और इसी कुछ यहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है, जिसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे रिक्लाइन। और बहुत ही बेहतर क्वालिटी की यहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है, काफी कंफर्टेबल सीट है। टाटा कंपनी ने इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है गाड़ी में।
और यही इसकी सीट बेल्ट, जब भी आप बाइक चलाओ तो हेलमेट और गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बिल्कुल पहने, बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाए क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ इसकी स्टेयरिंग व्हील मिलने वाली है, बीचों बीच टाटा को लोगो मिल जाता है और ये स्टेयरिंग टिल्टेबल पावर स्टेयरिंग है जो काफी बेहतर स्टीयरिंग है और बिल्कुल स्मूथ घूमता है ये। और दोस्तों इसमें आपको एसी का भी ऑप्शन मिल जाता है, चाहो तो आप एसी वाली गाड़ी भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको एसी नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको खाली स्पेस मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है और नीचे यहाँ पर आपको चार्जर करने का सॉकेट मिल जाता है। और बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको GBS का 76 का सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिलने वाला है, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। और साथ ही गाड़ी के या फिर आपके सामान रखने के लिए यहाँ पर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप सामान रख सकते हो। और साथ ही गाड़ी में यहाँ पर आप छोटी मोटी पार्टी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टाटा काफी शानदार गाड़ी है, आपको फील नहीं होगा कि आप कमर्शियल गाड़ी में बैठे हो या फिर कार में। और साथ ही यहाँ पर आप दो बंदे आराम से बैठा सकते हो, काफी अच्छा स्पेस है, पीछे हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको रूफ लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन में है और काफी अच्छी रोशनी आपको प्रदान कर देती है। और यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं और धूप से बचने के लिए यहाँ पर आपको सनवाइजर मिल जाते हैं टिकट होल्डर के साथ में। और साथ ही यहाँ पर आपको IRV मिल जाता है जो कि पीछे देख सकते हो सारा नजारा। और ये है इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति हावर की, जो कि स्पीड लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाती है। और पीछे लोड चेक करने के लिए और हवा के लिए यहाँ पर आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया चीज है। और साथ ही यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डिजिटल मीटर मिलने वाला है जिसको ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ इसका शो होता है। एक सेकेंड, इसको चालू करते हैं और ये चेक करो, इसमें आपको गाड़ी की सारी जानकारी मिलती रहेगी जैसे कि फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर, RPM मीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी बटन और साथ ही गियर शिफ्ट एडवाइजर भी मिल जाता है जिसके सहायता से आप और ज्यादा माइलेज निकाल सकते हो। और ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है। और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी खाली है तो यहाँ पर आपको इको स्विच मिल जाता है जिसके सहायता से आप गाड़ी को खाली में ज्यादा माइलेज ले सकते हो। यहाँ पर आपको इसका स्विच देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको रीजनरेशन व लाइट के बटन देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको इंजन मिलता है टाटा का 2.2 लीटर का BS6 डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। और साथ ही बात कर लेते हैं इसके पावर की और टॉर्क की, तो इसका पावर है 100 HP और इस गाड़ी से आपको टॉर्क मिलेगा 250 Nm का जो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल खुला खुला नजर आएगा, ज्यादा यूं ऐसा नहीं कि फंसा रखा है हर चीज को, बिल्कुल खुली चीज है, आराम से कोई भी मिस्त्री इसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ये इसका एयर फिल्टर और बाकी के यहाँ पर आपको फ्यूल देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कीमत की, तो ये आपको ऑन रोड कीमत पड़ने वाली है 11,15,000 रुपए जो कि राजस्थान के भिलवाड़ा शहर की कीमत है। ये अलग अलग स्टेट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। कीमत की परफेक्ट जानकारी के लिए आपको अपने नजदीकी शोरूम में जाना पड़ेगा, टाटा के शोरूम में, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इस वीडियो में क्या कमी लगी और आपकी क्या राय है इस वीडियो के लिए, तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।